नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चरी वाली गन्ना। जो गन्ना नहीं होता है, मतलब फिर भी उसको गन्ना ही बोलते हैं, पशुओं को खिलाने वाला। और इसमें रस नहीं निकलता है, केवल ये चारे के लिए काम आता है। और ये ऊपर से नीचे तक हरा होता है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। ये आपको देखने में बिल्कुल गन्ने जैसा लगेगा, शुगर कैन। तो स्वागत है मेरे चैनल जेपी एग्रीकल्चर फार्मिंग में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आपके कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। देखिए इस तरीके से ये होता है, इसमें गन्ना नहीं होता है, केवल पत्ती पत्ती होती हैं। मैं आपको एक पेड़ इसका तोड़ के दिखाता हूँ इस तरीके से। ये देखिए इस पे कांटे बहुत होते हैं। ये कई साल तक चलता है। एक बार इसको आप अगर लगा देंगे अपने खेत में, कई साल तक ये चलता है। आप इसको काट लीजिए फिर हो जाएगा, काट दीजिए फिर हो जाएगा। और पशु इसको खाने के तौर पे बहुत पसंद करते हैं। और ये कहीं कहीं पे मिलता है, ज़्यादातर अभी किसान जागरूक नहीं है, अभी उनको नहीं पता है इसके बारे में। तो देख सकते हैं आप, देखिए इसकी काफ़ी लंबाई हो जाती है, करीब 7 से 8 फीट इसकी लंबाई हो जाती है। और बड़ा होने पे ये शुगर कैन गन्ने जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें रस नहीं होता है, केवल चारे के उपयोग के लिए इसको पर्पस से बोया जाता है। देख सकते हैं आप, और इसको आप छाए में भी लगा सकते हैं, धूप में भी लगा सकते हैं, और ट्रिंच से भी लगा सकते हैं, और छिटकमा विधि से भी बोया जा सकता है खेत में। इसको आप कैसे भी इसको बो सकते हैं। और पशुओं में इसको खिलाने से दूध की बढ़त होती है और इसकी पैदावार बहुत है। आप एक जगह लगाएंगे तो वो अगले साल कम से कम फैल के काफ़ी जगह हो जाता है उसकी जड़ें, और कई साल तक चलता है, 5 से 6 साल इसकी जड़ें चलती हैं। ये अच्छा लाभ है। और ये नहीं है कि ये करीब 5 या 6 महीने में आए, ये 2 महीने में अच्छी तरीके से अगर इसको पानी और खुदाई मिलती रहे तो ये तैयार हो जाता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगली वीडियो में आपको और अच्छी जानकारी देता रहूँगा। तो नमस्ते।